हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा में अमृत सरोवर योजना के पहले चरण की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत के नहरा गांव से इस योजना की शुरुआत की। प्रदेश में एक समय पर 111 जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस योजना के माध्यम से प्रदेश में 1800 तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। हरियाणा में 1 मई से अमृत सरोवर योजना के पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है। सीएम मनोहर लाल ने सोनीपत के नाहर गांव से अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की है। लगातार घटते जलस्तर को सुधारने और पानी की समस्या को कुछ हद तक कम करने के लिए अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायत दिवस पर इस योजना को शुरू किया था। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है के देश के तालाबों को इसको ठीक करो, योजना चलाई अमृत सरोवर योजना। अमृत सरोवर योजना में देश के 50,000 तालाब इनको हमको ठीक करना है, हरियाणा के 8,000 तालाब इनको हमने ठीक करना है। हर जिले में टारगेट तय किया गया कि इस पहले चरण में 15 अगस्त तक हम हर जिले के 75 तालाब अर्थात हरियाणा के 1600 तालाब ये हम 15 अगस्त तक इस पर काम चालू कर देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों को विकसित करने की इस योजना का पहला चरण 1 मई से 15 अगस्त तक चलेगा। 1800 तालाबों का किया जाएगा सौंदर्यीकरण, 1650 तालाबों का किया गया नवीनीकरण, सभी जिलों में बनेंगे 75 तालाब, 1 एकड़ में विकसित होंगे सरोवर, सरोवर में पशुओं के घाट बनेंगे, सरोवर किनारे लगेंगे पेड़ पौधे, सरोवर पर सैर करने की व्यवस्था होगी, 4,000 से ज्यादा रिचार्ज बोरवेल लगेंगे। अब तक प्रदेश में 750 रिचार्ज बोरवेल लग चुके हैं। योजना की शुरुआत के लिए चुने गए नहरा गांव की बात करें तो यहां के गंगेश्वर कुंड तालाब की प्राचीन मान्यता है। इस गांव से सीएम ने तालाब रूपी धरोहरों को सहेजने और संरक्षित रखने का संदेश दिया। जो तालाब अभी तक गंदे पड़े हैं उन तालाबों को लोगों के भ्रमण के लिए आने जाने के लिए कैसे ठीक किया जाए। यहाँ एक बात और भी मैं कहूंगा, बहुत तालाब ऐसे हैं जो ऐतिहासिक कहानियों से जुड़े हुए हैं, उनको तीर्थ माना हमने, उनको केवल पानी का तालाब ऐसा नहीं है बल्कि उनको तीर्थों की तरह से हम पूजते भी रहे हैं। कि यहाँ का जो नहरा का तालाब है, ये तालाब नहर सिंह नामक व्यक्ति ने आज से और 900 साल पहले सन 1309 ईस्वी में उस व्यक्ति ने यहाँ तप किया था और उस तप के कारण से इस तालाब का निर्माण हुआ। चारों तरफ धाम बने हुए हैं, इस तालाब को गंगेश्वर सरोवर ये हमने कहा है। अमृत सरोवर योजना से पहले भी सरकार जल संरक्षण को लेकर काम करती रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर किसानों से माइक्रो इरिगेशन को उपयोग में लाने की बात कही। इसके लिए हमने कार्यक्रम बनाया कि पानी की खुली सिंचाई करना बंद कर दे, बल्कि माइक्रो इरिगेशन, हजारों करोड़ रुपया लगा करके हमने माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स ये बनवाए हैं और लगातार इसमें आगे बढ़ रहे हैं। सरकार इसको प्रोत्साहन दे रही है। हम सामान्य किसान को माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट लगाने के लिए 85% सब्सिडी देते हैं, केवल किसान से 15% का पैसा लेते हैं। वो भी इसलिए लेते हैं ताकि वो सिंचाई के जो साधन बनाए गए हैं उसकी मलकियत किसान समझे मैं इसका मालिक हूँ। सीएम नहरा गांव पहुंचे तो ग्रामीणों को सौगात भी मिली। सीएम ने गांव नहरा में खेतों के कच्चे रास्ते को पक्का करने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल की जर्जर इमारत को दुरुस्त करने और पार्क के लिए बजट को मंजूरी दी है। खेतों के रास्ते जिनको पक्का करवाना है, ऐसे जिन रास्तों को चिन्हित करके भेजा जाएगा उन रास्तों को पक्का कराया जाएगा। और इस पर कोई बहुत बड़ी राशि नहीं लिखी है कि केवल 70 लाख रुपए की आवश्यकता है, वो हम मंजूर करते हैं। अस्थल बोर वाली मंदिर की गली का निर्माण ये ग्राम पंचायत के माध्यम से होगा। ग्राम पंचायत को हम हर साल अब शुरू में अप्रैल में ही बजट भेज देते हैं,
तो वहां का जो बजट आया है वो सारे जो छोटे काम है उस प्रकार से ये सब किया जाएगा। पशु अस्पताल के पास कम्युनिटी सेंटर, एक एकड़ के अंदर एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा, 1.5 करोड़ रुपया इसका खर्च आएगा, इसको भी मंजूर किया जाता है। पार्क का निर्माण, एक कोई बताया पशु अस्पताल से आगे रोड के साथ साथ 3 एकड़ में पार्क का निर्माण, ये पार्क के निर्माण के लिए ड्राइंग बन गई है, उसको अप्रूव करा दिया है। न केवल पार्क बनेगा, उस पार्क में ओपन जिम और झूले ये भी लगाए जाएंगे ताकि गांव के बच्चे, नौजवान, लड़के, लड़कियां, महिलाएं सब आकर के और उस नाते से और इन झूलों का, जिम का ये अपना उपयोग कर सके। अमृत सरोवर योजना से न सिर्फ धरोहरों को नया जीवन मिलेगा बल्कि गिरते भूजल स्तर में बड़े स्तर पर सुधार होगा। पानीपत के गांव डाहर में प्रदेश का सबसे आधुनिक शुगर मिल बनकर तैयार है। रविवार को सीएम मनोहर लाल ने आधुनिक शुगर मिल का उद्घाटन कर लोगों को समर्पित कर दिया। मिल में नवीनीकरण के बाद इसकी क्षमता 3 गुना बढ़ गई है। अब मिल में पहले के मुकाबले लगभग 3 गुना गन्ना पेराई हो सकेगी। इस शुगर मिल की खासियत है कि इस मिल में बिजली उत्पादन यूनिट लगाई गई है। इस मिल की क्षमता बढ़ने से गन्ना किसानों को फायदा होगा। जिले के आसपास के किसान भी इस गन्ना मिल का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही मिल में बिजली के उत्पादन से बिजली की कमी की समस्या से भी निजात मिलेगी। आइए ग्राफिक्स के जरिए इसकी खासियतों को और भी करीब से जान लेते हैं। ग्राफिक्स आपके टीवी स्क्रीन पर ये रहे। पानीपत में बनी प्रदेश की सबसे आधुनिक शुगर मिल, पुराने मिल के मुकाबले 3 गुना पेराई की क्षमता। मिल में रोज 50,000 क्विंटल गन्ने की पेराई होगी। 71 एकड़ भूमि पर बनी है सहकारी शुगर मिल। पुरानी शुगर मिल 70 एकड़ में स्थापित थी। 356 करोड़ की लागत से तैयार हुई है शुगर मिल। मिल में बिजली उत्पादन यूनिट भी लगाई गई है। यूनिट में 28 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। 7 मेगावाट बिजली प्लांट में खर्च होगी। इक्कीस मेगावाट बिजली HVPNL को दी जाएगी। एक बार फिर ये ग्राफिक्स आपके टीवी स्क्रीन पर। पुराने मिल के मुकाबले 3 गुना पेराई क्षमता बढ़ गई है। गन्ना किसानों को इसका फायदा मिलने वाला है। तिहत्तर एकड़ भूमि पर बनी है सहकारी शुगर मिल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत में शहीद मदन लाल ढींगरा की मूर्ति का अनावरण किया। शहीद मदन लाल ढींगरा देश के लिए शहीद हुए जवानों में शुमार हैं, जिन्होंने लाला लाजपत राय से प्रेरित होकर आजादी की लड़ाई लड़ी और लंदन में जाकर कर्जन वाइवली को गोली मारी और महज 22 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए। सीएम ने शहीद को याद करते हुए कहा कि महापुरुषों की जीवनी से प्रेरणा लेकर अब हमें देश के लिए जीना होगा।
नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सीएम मनोहर लाल ने संयुक्त सम्मेलन के दौरान हरियाणा के लिए अलग हाईकोर्ट बनाने की मांग रखी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मौजूदा न्यायालय परिसर में जगह और जजों की नियुक्ति को लेकर भी चिंता जाहिर की। साथ ही राजस्व रिकॉर्ड को ई कोर्ट के साथ जोड़ने को लेकर दिए गए सुझाव को मुख्य न्यायाधीश ने सराहा। हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हरियाणा के लिए अलग हाईकोर्ट की मांग की। यह मांग नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में सीएम मनोहर लाल ने उठाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लिए अलग अलग हाईकोर्ट स्थापित करना समय की मांग है। अलग अलग हाईकोर्ट स्थापित करने के लिए दोनों राज्य केंद्रीय गृह मंत्रालय को विधिवत रूप से प्रस्ताव भेजेंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मुकदमे भी सुने जाते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुझाव दिया कि चंडीगढ़ का भी अलग हाई कोर्ट हो सकता है। पंजाब का जो के हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है, इसलिए वहाँ स्पेस का जो कंस्ट्रेंट है, जो स्पेस की जगह की कमी के कारण से उसका विस्तार नहीं हो पा रहा, उसी में हमने अपने विषय फिर से उठाया कि जो बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है कि हरियाणा का अलग से हाई कोर्ट हो। अच्छी बात यह है कि आज इस विषय में मुख्यमंत्री पंजाब ने भी कहा कि हाँ, हरियाणा पंजाब का भी हाई कोर्ट अलग होना चाहिए और दोनों प्रदेश अगर अलग अलग अपना अपना हाई कोर्ट बनाते हैं। साथ में हमने जोड़ दिया कि चंडीगढ़ का भी अपना एक छोटा हाई कोर्ट अलग हो सकता है। तो ऐसे इस वर्तमान हाई कोर्ट के ट्राइफर्केशन का विषय हमने रखा है। अब निर्णय होम मिनिस्ट्री ने लेना है तो किस प्रकार का निर्णय, कितना जल्दी करते हैं, हमने अपनी डिमांड वहाँ रखी है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के मुकदमों के लिए बने मौजूदा हाई कोर्ट में जगह की कमी की वजह से विस्तार नहीं हो पा रहा है। हमारे यहाँ उसकी कमी है। कुल 85 जो पोस्ट हैं जजेस की, वो कुल सैंक्शन है, जिसमें अभी 48 भरे हैं और बाकी अभी 37 सीटें खाली हैं। इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मंजूर सभी 85 कोर्ट के लिए यदि न्यायाधीश नियुक्त हो जाएं तो उनके लिए मौजूदा परिसर में कोर्ट बनाने की जगह नहीं है। अभी केवल 62 न्यायाधीशों के लिए ही मौजूदा भवन में कोर्ट उपलब्ध हो सकती है। जगह की कमी की वजह से रिकॉर्ड का रखरखाव भी प्रभावित हो रहा है। हरियाणा में ये नियुक्ति कुछ वर्षों से हाई कोर्ट ने ही अपनी देखरेख में ले रखी है और वही उसकी नियुक्ति करते हैं। अन्य प्रदेशों में वहाँ के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो करते हैं। हमने भी आप डिमांड रखी है कि हरियाणा भी ये नियुक्तियाँ हैं वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC के द्वारा होनी चाहिए, ताकि से करें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने न्यायिका अधिकारियों की नियुक्ति का काम अन्य प्रदेशों की तरह हरियाणा लोक सेवा आयोग को दिए जाने की मांग की। फिलहाल न्यायिका अधिकारियों की नियुक्ति का काम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट करता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समय की बचत हो, एक क्लिक पर ही कोर्ट समाधान करते हुए राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी ले सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस सुझाव की सराहना की। अधिक जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हाई कोर्ट और स्थानीय कोर्ट के फैसले स्थानीय भाषाओं में लिखे जाने पर सहमति इस सम्मेलन के दौरान बनी। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा और लोग न्याय प्रणाली से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। इसके अलावा न्यायिका संसाधन प्राधिकरण बनाने पर भी सहमति बनी है। सहमति बनने के बाद हरियाणा सरकार का अलग कोर्ट का सपना पूरा होने जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही हरियाणा को अपनी कोर्ट मिलेगी। यार रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।